खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। देखिए, पूरे प्रदेश में पिछले 4 दिनों से पूरी शांति है। पेट्रोलिंग, इंटेंसिव पेट्रोलिंग कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान और वक्त है दिन के सबसे बड़े बहस का। तो क्या ये मान लिया जाए कि पिछले 12 से 15 दिनों में जो कुछ चल रहा था अब वो अपने जवाल पर आ रहा है, यानी कि अमन और शांति हिंसा की जगह लेने लगी शुरू हो चुकी है। क्योंकि पिछले शुक्रवार को जिस तौर पर हिंसा देखने को मिली थी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और दूसरे अलग अलग इलाकों में, आज इस बार जुमे की नमाज अदा की गई और उसके पहले या उसके बाद में वैसे हिंसा कहीं देखने को नहीं मिली। हालांकि इस बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच में लगातार जारी रहा, मगर ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे लोग इन तमाम चीजों के बीच में अब कहीं ना कहीं इसको समझ भी रहे हैं। और ऐसे में हमें पूछ रहे हैं कि क्या वाकई अब अफवाहबाज पस्त हो चुके हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसके पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और अब क्या माना जाए कि क्या देश ने इस कानून को स्वीकार कर लिया है या फिर ये माना जाए कि अब हिंसा के बजाय प्रदर्शन तो होगा लेकिन उसमें हिंसा नहीं होगी और अमन के साथ में विरोध चलता रहेगा। इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में सारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे कराएं। उससे पहले आइए निगाह इस रिपोर्ट पर डालते हैं। हम गांधीवादी हैं, गांधी की सोच को रखने वाले हैं, पुराना दौर की सोच को रखने वाले हैं, अंबेडकर की सोच को रखने वाले हैं। जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर CAA के विरोध का शोर था। एक बार फिर हजारों की भीड़ दिल्ली की जामा मस्जिद पर इकट्ठा हुई। एक बार फिर भीड़ के हाथों में तिरंगा था और जबान पर CAA और NRC के खिलाफ आवाज। इसी आवाज के बीच कांग्रेस भी अपने सियासी हाथ को आजमाती नजर आई। बहाना तो वही था लेकिन निशाने पर इस बार BJP, RSS सबके सब थे। हमें ऐसा लगता है कि संघ भाजपा RSS के लोग पुलिस की वर्दियों में, पुलिस की भीड़ में घुसकर ये पथराव आगजनी कर रहे हैं। आम नागरिक बिल्कुल बिना हिंसक हुए हमारे इलाकों में, आप देख रहे हैं आज भी सभा हुई, नमाज के बाद हुई, हजारों लोग इकट्ठा हुए, सबने तकरीर की, बात की, घर चले गए। अगर यहाँ पुलिस डंडा चलाती, तानाशाह तरीकों से कि सभा नहीं होने देंगे, बात नहीं होने देंगे, खदेड़ती, तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी पैदा होता है। जहाँ कुछ भी हो रहा है ताली एक हाथ से नहीं दो हाथों से बजती। CAA के खिलाफ भीड़ तो आज भी इकट्ठा हुई लेकिन इस बार तादाद कम थी और विरोध की आवाज भी कम। गांधीवादी है, गांधी की सोच को रखने वाले। जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद से अमन का पैगाम निकला। अवाम ही नहीं, इस बार धर्मगुरु भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए। तमाम मजाहिब के बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम मजाहिब के लोगों ने एक जबान होकर के अवाम से यही अपील की है कि ये मुल्क हम सबका मुल्क है, इस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है, लिहाजा हम सब लोग कोई भी वायलेंस का रास्ता ना इख्तियार करें और हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। जनता अब कानून को समझ रही है, विरोध की आवाज अब कम हो रही है और अफवाहों पर लगाम लगती नजर आ रही है लेकिन सियासतदान CAA के सहारे अभी भी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। CAA और NPR के नाम पर अभी भी सियासी पार्टियां गुमराह करने के काम में लगी हैं। देखिए, चाहे NRC हो चाहे NPR हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। आप नोटबंदी को समझिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं चाहते हैं कि हालात बिगड़े, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे समाज को बांटा जाए, जो उनका एजेंडा है। इसलिए उत्तर प्रदेश पूरी तरह से उसके हालात बिगड़ रहे हैं और लगातार BJP कोशिश कर रही है कि हालात बिगड़े। विपक्ष के मुताबिक यूपी समेत देश के हालात बिगड़ रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि अफवाहबाजों पर लगाम लगने के बाद से विरोध के नाम पर जिस हिंसा को अंजाम दिया जा रहा था वो थमता नजर आ रहा है। मतलब वक्त के साथ अफवाहबाज पस्त हो रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट आर9 टीवी। और ऐसी स्थिति में आज के वो सवाल आपके सामने रखते हैं जो कि आर9 टीवी इस वक्त उठा रहा है कि एनआरसी पर फैली अफवाहों का सच क्या था, क्या भ्रमित ही किया जा रहा था, और ऐसे में क्या जनता ने एनआरसी और सीए को अब समझ लिया है, क्योंकि हिंसा के अंदर कमी देखने को मिली है काफी। क्या अब भी लोगों को भड़काने की साजिश हो रही है या फिर अफवाहों के सहारे कब तक सियासत होगी? यह अफवाह है या वाकई इसे अफवाह के तौर पर पेश किया जा रहा है सत्ता पक्ष के जरिए, या फिर विपक्ष अफवाह फैला रहा है? हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में जितेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। साथ में हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कि अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति किस धारा में और किस तरफ मुड़ती जा रही है। विश्वेंद्र कुमार जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, जो ये बताएंगे कि आखिर इन तमाम चीजों को लेकर के अभी आगे आने वाले दिनों में तस्वीर और क्या दिख सकती है। संजीव चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। साथ ही में परविंदर सेठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख जी, आरोप ऐसे लग रहे थे कि शायद सरकार ने संवाद स्थापित करने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन सरकार ने जब अपील करना शुरू किया, पुलिस प्रशासन ने भी अपील करना शुरू किया, तो हिंसा में थोड़ी कमी आई है, या फिर यूं कहा जाए कि हिंसा अब नहीं हो रही है, तो क्या सरकार यह कदम पहले भी उठा सकती थी अगर ऐसा रहा तो? जब्बार भाई, मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, अच्छी बात है कि आज आपके चैनल्स के माध्यम से बहुत अच्छा क्वेश्चन शुरू में आया और इस पर जवाब भी आना चाहिए, ठीक ही आना चाहिए, पॉजिटिव, कि यह चीज क्लियर होगी कि एनआरसी का मतलब भी लोग समझते थे, सीएए का मतलब भी समझते थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं, जैसे आपने फुटेज देखा, अभी यूपी का कई जगह का फुटेज आया, मेरठ से लेके कई कई घटनाएं हुई हैं, उसमें एक प्री प्लान तय था, कुछ लोग थे, चंद लोग, जिन्होंने ये इसको यह स्थिति करने की कोशिश की है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, फिर मैंने उसी दिन से मैं बराबर आपके साथ हूँ डिबेट में, जब ये चीज़ उठी है बराबर, हम लोग सब कहते आ रहे थे, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये बोलते आ रहे थे कि जनता इसके कहीं से कहीं तक कहीं विरोध में नहीं है। और देखिए, वो चीज आई है जिनकल के जो दंगाई, तो फिर सड़कों पर कौन है? देख, मैं वो सारे लोग दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, देखिए वो जो जनता नहीं है, वो जो सड़कों पर लोग थे, वो सड़कों पर गिनती के प्री प्लान लोग थे, और वो आपके सामने आ रहे हैं, वो सैकड़ों में आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, वो किसी पार्ट, देखिए उसमें स्टूडेंट्स, बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स कहीं से कहीं तक निकल के नहीं आ रहा, या तो उसमें कैसे विदेशी नागरिक, ऐसे कई फुटेज आए हैं निकल कर, जिनके आप टीवी पर देख भी चुके हैं, जो इस काम को भड़काने का काम कर रहे थे। और अच्छी बात यह रही कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत आकर इस पर सिर्फ एक अपील की, और उस अपील का यह असर है कि ये सब तई सारी चीज, घटनाएं खत्म हो चुकी है। ठीक है, जितेंद्र चौधरी जी, क्या वाकई इस बात से इत्तफाक रखा जा सकता है कि जो बातें देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे हैं एक्चुअल तस्वीर यही थी? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मेरे देवेंद्र प्रमुख भाई कह रहे हैं बीजेपी के लोग, इनको जनता नहीं दिख रही है, ये अपने जो भारत का चश्मा लगाएं, बीजेपी का चश्मा ना लगाएं, उनसे देखें कि जनता जो सड़क पर घूम रही है, जनता है, आम जनता है, ये गिने चुने लोग नहीं है, ये एक दो लोग नहीं है, ये पूरे भारत में करोड़ों के लोग हैं जो ये कह रहे हैं विदेशी लोग हैं। अरे, पश्चिम बंगाल में तो आप ही के लोग पकड़े गए हैं जो टोपी, बीजेपी की ड्रेस उतार रहे हैं और टोपी पहन रहे हैं। रही यूपी की बात, यूपी में मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, गुंडा राज और जंगल राज यूपी में चालू हो गया, तो बताइए ये कैसे कह सकते हैं। और इनकी जो है मानसिकता जो रही है बीजेपी की, अब टोटल मानसिकता ये रही है, अब हम जो दंगा भड़काएं, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाएं, और जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, किसी एक लीडर का हमारा भी नाम बन जावे आगे, लोगों को मरवा के हम जो प्रधानमंत्री की रेस में आ जाएं, तो सिर्फ इनका यही प्लानिंग रहा है प्रायोजित तरीके से, तो ये करते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश के रोजगार की रोजगार के बारे में बहस क्यों नहीं करते हैं लोग, क्यों नहीं कराते? ठीक है, ठीक है, अच्छा फिर यदि ठीक है, मैं एक कमेंट सबसे ले लूं, उसके बाद में चर्चा को ओपन करता हूं जी, तो भैया उनसे बात करो ना जाके, कौन ठीक है जितिन जी, ठीक है। संजीव चौधरी जी, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी हुई थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी ने भी सड़कों पर उतर करके खूब विरोध प्रदर्शन किया, और फिर हिंसा वहां पर सड़कों पर लोगों ने खूब किया, हुड़दंगई हुई, या फिर यूं कहें पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, योगी सरकार सख्त हुई, अपने आप सब ठीक हो गया? देखिए जब्बार भाई, दंगा कराने वाले और करने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं,
जब जब हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी राज करती है तो दंगे के बल पे ही ये राज करते हैं। पीछे भी इन लोगों ने ऐसे ही इन्होंने दंगा किया, क्योंकि इनका कोई अपना कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है कि ये विकास पर कोई राजनीति करते हो। तो आप ये कह रहे हैं कि सड़कों पर जो कुछ हुआ वो बीजेपी की साजिश थी। देखिए, ये खुद ही करते हैं। अब जहां तक अभी हमारे प्रमुख साहब कह रहे थे, बड़े भाई ने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपील की, तो ये पहले ही दिन से क्यों नहीं की अपील? प्रधानमंत्री जी कहां सो रहे थे? देश में इतने इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, इतने लोग जा चुके हैं, और ये दूर से ही कह रहे हैं कि सभी लोग दंगाई हैं। और जहां तक प्रमुख साहब, मैं आपकी नॉलेज में बता दूं कि आपको 39% वोट लेके आप देश में राज कर रहे हैं, 61% जो लोग हैं वो तो आपके खिलाफ हैं। तो 61% या तो आप क्लियर कर दीजिए कि 61% लोग दंगाई हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, बहुमत का एक मिनट मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये साबित करें कि 61% लोग हिंदुस्तान के अंदर दंगाई बसते हैं, या ये अपने बयान से वापसी लें। इनका तो पता ही नहीं लग रहा। छोटा सा कॉमेंट विद्यवेंद्र जी, छोटा सा कमेंट। देखिए, मैं बहुत अच्छी बात आई है निकल कर, एक दोनों प्रवक्ताओं की तरफ से आई है। जब्बार भाई, ये क्लियर करूंगा, सपा की तरफ से आई, कांग्रेस की तरफ से, दोनों भाई भाई भी हैं, इनका स्वागत भी है, क्योंकि इन्होंने एक चीज ये शिवसेना भी थी, जेडीयू भी है, जेडीयू भी रोल कर रही है, और क्लियर किया है भाई, तो जेडीयू है, हम जो सब लोग 61% में मिलके हमें 40 बता रहे हैं, 39 बता रहे हैं। मैंने प्रमोशन ये नहीं कहा, आपने कहा चंद लोग इस पे 61%। देखिए, मेरी पूरी बात नहीं हुई थी, 61% लोग इस, अब मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ ना, बहुत जल्दी में दूंगा, ज्यादा समय मुझे नहीं है, गले वैसी खराब है क्योंकि एनआरसी पे एक महीना हो गया डिबेट्स करते करते, चैनल्स के लोग भी थक गए होंगे शायद, मुझे लग रहा। और मैं जो आपने बात कही है ना, बड़ी गहरी बात है, उसको एक दर्शक के बहुत लोग देख रहे हैं, उनको आपको बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि ये बीजेपी की साजिश थी और बीजेपी ने स्वतः ही किया है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि सोनिया गांधी धरने पर बैठी थी और प्रियंका गांधी धरने पर बैठी थी। क्या बीजेपी ने बैठाया उनको एनआरसी के समर्थन में धरने पर? मैं इसमें आपसे जवाब चाहता हूं। ये तो क्वेश्चन ही नहीं, आप में नहीं, आप लोगों ने कहा कि ये प्री प्लान, देखिए ये प्री प्लान था, ये तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप लोगों ने कहा है कि इसमें हम लोग जान के कराए, और दंगे की बात भी थोड़ा सा, आपके आप जो है 60 साल का साहब, आपके प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री जी दंगे बलात्कारों पे क्यों नहीं बोलते, बेरोजगारी पे क्यों बोलते, शिक्षा पे क्यों नहीं बोलते, चिकित्सा पे क्यों नहीं बोलते? नहीं, जवाब दो, आप दंगे की बात कर रहे हैं, दंगे से तो आप लोग ठीक है, मगर 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 हिंसा शांत हुई है, शांति थोड़ी सी आई है। इसका मतलब क्या वाकई है, इसका मतलब क्या वाकई है कि दंगाई उपद्रवी ही सड़कों पर थी जो कुछ हो रहा था? नेता और मंत्री तुम्हारे बलात्कारी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि कैसे क्वेश्चन उठा रहे हो? जवाब ले लीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ ना, बता तो रहा हूँ। लाटवी प्रसाद मंत्री नहीं था क्या? यूपी की सरकार में बलात्कारी नहीं था क्या? आप उन्हें बलात्कार नहीं किया? आपका कहना ये है कि हम बलात्कार हुए हैं, आपका कहना ये है? ठीक है, ठीक है, देवेंद्र प्रमुख साहब, देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, एक सेकंड, देवेंद्र प्रमुख जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सही हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ी भाषा की गरिमा का ध्यान रखें। और असली चोर हैं तो वो पार्टियां मिल मिलकर इकट्ठी हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को घेरने को इस ना कोई तरीके ही है उनके पास, आपने प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं इस देश से, चाहते क्या है? कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, आप ये बता दीजिए कितना झूठ बोलोगे? इस देश के साथ हमने वो किया जो 70 साल कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप रोजगार पर चर्चा करके देख लीजिए कितने लोगों को रोजगार दिया हमने, रोजगार के साथ कितनी सुरक्षा देने का, महिलाओं की सुरक्षा, अरे विश्व में पहचान देने का, इसका मतलब आप कोर्ट को भी 70 साल से कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं, सर पर चढ़कर आप ठाट मुख साहब, इसका मतलब आप कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं? ये तो कोर्ट में जवाब ना दे दीजिए, क्या प्रदेश में साहब जवाब तो ले लीजिए, ये तो कोर्ट के लिए नहीं हो रहा, मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप लोग ने बोल दिया, बोलने दीजिए ना, ये सुप्रीम कोर्ट के थे, देश की संघ व्यवस्था, जनता देख रही है आपकी संघ व्यवस्था, वो नहीं कर सकते, आप सत्ता में नहीं बैठे, आप बैठ के किस तरीके से कर रहे
मैं अपने सभी मेहमानों की तरफ देवेंद्र जी, देवेंद्र प्रमुख साहब, देवेंद्र प्रमुख जी, जितेंद्र जी, एक सेकंड, मैं सभी लोगों से चाहूंगा प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ठीक है सर, आप लोगों की बातें हो गई, सर आप लोगों की बातें हो गई, मैं वापस आप लोगों की तरफ आता हूँ सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर, संजीव कौशिक जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, संजीव कौशिक जी, ये जो स्थिति एक इस वक्त दिख रही है कि अगर हिंसा में कमी आई, अगर शांति का माहौल उत्पन्न हुआ है, बना है, तो इसका मतलब यह है कि जो लोग सड़कों पर थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सारे के सारे दंगाई थे, सारे के सारे उपद्रवी थे, उनके खिलाफ में केसेस हुए, पुलिस सख्त हुई, सारे पेशे चले गए, असल मुद्दा कुछ नहीं था, क्या इसकी 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 जो एक ये तस्वीर पेश की जा रही है, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है आपकी बातों से। इसके दूसरे पहलू पे आप देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि सरकार जानबूझ के पहले हवा दे रही थी, सरकार फेल्योर थी वो लगाम कसने में, इतने लोगों के जान जाने के बाद जब सरकार को लगा कि नहीं अब सर से ऊपर पानी निकलने लगे, तब जाके सरकार सख्त हुई है। बात सिर्फ इतनी सी है कि NRC और CAA के विरोध में यदि लोग सड़कों पर निकल रहे थे, चंद लोग उस भीड़ में जाते हैं और पूरे माहौल को दंगाई बना देते हैं और दंगा शुरू हो जाती है, तो ये फेल्योर कौन होता है? फिर सरकार का काम है कि वो चिन्हित करे, जो जो लोग को चिन्हित करना है वो पकड़े। इस तरह के आंदोलन में निश्चित तौर पे कुछ लोग घुस जाते हैं, उसको चिन्हित करना सरकार का काम है, पकड़ना और दंडित करना, ठीक है। लेकिन जो तरीके सरकार ने अपनाए, जो दमनात्मक तरीके अपनाए, वह सरकार के लिए और ज्यादा उल्टी चाल के तौर पर वो मैं मान के चल रहा हूं कि वो चल पल पड़ी, और उसका नतीजा ये हुआ कि पहले से ज्यादा और विद्रोह हो गया, जिसका नतीजा उनको। विश्वेंद्र कुमार जी, ये जो बात अब सामने आ रही कि चंद मुट्ठी भर लोग थे और सरकार के सख्ती के बाद में सारे के सारे लोग जो है पीछे हट गए, मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे चला गया, यानी कि मतलब ये है कि मुद्दा कोई था ही नहीं, भ्रमित किए गए थे ये लोग, भ्रम की वजह से लोग सड़कों पर थे, हंगामा कर रहे थे, और अब सिर्फ पुलिस वर्सेस पब्लिक के बीच में पुलिस ने सतर्कता बरती, सब कुछ ठीक हो गया। आपको लगता है कि ये प्रदर्शन अब रुक गया है या अब सिर्फ तरीका उसका बदला? ये बहुत ही ज़रूरी है, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, अभी भी ये प्रदर्शन तो चल रहे हैं और स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये जरूर है कि तनावपूर्ण के साथ नियंत्रण में हैं, आज भी भय का माहौल है, घर से जो लोग निकल रहे हैं, परिवार से लोग निकल रहे हैं ड्यूटी पे जाने, स्कूल जाने या बच्चे भी, तो भय का माहौल है आज भी, तो इसको अच्छा और प्रकार से कंट्रोल करने के लिए सत्ता को भी अच्छे और कड़े नियम बनाने पड़ेंगे और सख्ती अपनानी पड़ेगी, और ये जो बिल है, जो कानून बनाया CAA, इसकी पारदर्शिता करनी पड़ेगी, सरकार की जिम्मेवारी है, विपक्ष की जिम्मेवारी है। सरकार तो अपनी बात पर अड़ी हुई है कि साहब हमने जो कुछ किया वही होना चाहिए था, वही वक्त की जरूरत थी, वही देश की जरूरत थी, देश हित में कदम उठाया, तो सरकार तो इस पे पीछे नहीं जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पीछे नहीं जा रही, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी थी ये दंगे क्यों हैं, सरकार की जिम्मेवारी ये थी किसी भी प्रकार से मैसेज पहुंचाते अच्छा कि CAA को गलत नहीं है, हम भी मानते हैं, मैं स्पष्ट करता हूं, CAA भारत के नागरिक के लिए कुछ भी नुकसान नहीं करता, चाहे मुसलमान ही उसके लिए भी, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको अच्छी प्रकार से प्रचारित पहले करें, दुष्प्रचार ना हो। माफी चाहूंगा, एक पूरी कर दूं बात भाई साहब, यहां खास बात है, आज भी घरों में तनाव है, रास्तों में भय का माहौल है, ये मानना पड़ेगा, अभी भी विपक्ष को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अपनी अपील करनी पड़ेगी, तब माहौल ठीक होगा, और जो कुछ अच्छे लोग कर रहे हैं या पुलिस के लोग अच्छा कर रहे हैं वो अच्छी बात कर रहे हैं। एक सवाल ले लेंगे मेरा, ये बोल रहे हैं कि CAA मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मैं कहता हूं कि बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है, यदि मुसलमानों के खिलाफ नहीं होता तो असम में जिन 19 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है उसमें से केवल हिंदू यहां रहेंगे और मुसलमानों को जाना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखें, भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो मुसलमान बाहर के भारत के एक भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, पहले तो मुसलमान बाहर जा रहे हो, भारत दो के कदम आगे, दो कदम आगे NRC और उसके बाद में जो NPR की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि एक और संदिग्ध चाल चल दी गई है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन NRC बाद में आएगा, आज CAA की बात अगर करें तो CAA, लेकिन जो पूरा ताना बाना है, क्या परविंदर सेठी जी CAA को लेकर के, NRC को लेकर के, NPR को अलग अलग करके इसे देखा जा सकता है? ये सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सारा इंटरकनेक्टेड है सर, ये जो CAA है उससे किसी को समस्या नहीं है। सबसे पहली बात है कि हर व्यक्ति समझदार है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, जो हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है,
उनको पता है सीएए में सिर्फ वहां पे जो तीन देश और छह धर्मों को ऐड किया है उसमें मुसलमानों को ऐड नहीं किया, उनको पता है जो बाहर से आए हुए शरणार्थी हैं, ये उनके लिए कानून बनाया गया। जिस आधार पर सरकार समझाने की कोशिश करती है या सरकार में बैठे हुए बड़े लोग समझाने की कोशिश करते हैं, वो आपको लगता है कि वो आधार, वो तर्क ठीक है सर, या फिर सिर्फ समझाने की एक कवायद है, कोशिश है? सर आपको सबसे पहले अपनी नीयत जो है वो दुनिया को, एक समाज को मैसेज देना पड़ेगा कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, क्योंकि एनआरसी से लोगों को डर है। एनआरसी के अंदर जो बाहर से आए हुए हिंदू हैं वो तो अंदर हो जाएंगे, जो मुसलमान है चाहे उसमें इनोसेंट लोग भी हैं, मैं कहता हूं अगर कोई घुसपैठिया देश के अंदर एंट्री करता है तो वो मुसलमान बन के थोड़ी एंट्री करेगा, वो हिंदू बन के भी एंट्री कर सकता है। जो बाहर से शरणार्थी आए, इसके बहुत सारे लूपहोल हैं। अब एक दिन संसद में अमित शाह जी कहते हैं जी हम चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी नहीं अभी एनआरसी पे कोई चर्चा ही नहीं है, उसके दो दिन बाद एनपीआर ले आते हो। इसको लाने की इतनी जल्दबाजी किस लिए? आप देश का माहौल देखिए, देश के अंदर एक बहुत ज्यादा भय का माहौल है। देखिए हजारों लाखों लोग 200 जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर जो जनादेश की आवाज आपको सुननी पड़ेगी, आपको उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा। जब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, उनको ये नहीं लगेगा कि हमारे साथ कोई जाति नहीं होगी आने वाले समय में, तब तक वो भरोसा कोई और नया स्टेप ना लिया जाए। उनको कहे जी सारी चीजें तब तक नहीं हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तब तक आपको पूरी तरह भरोसा नहीं हो जाता। तो संदीप चौधरी जी, तो फिर क्या माना जाए कि सिर्फ स्वरूप इस धरना प्रदर्शन का, इस विरोध का बदल रहा है? लोगों ने जो पहले उत्तेजित होकर के हिंसा पर उतारू हो जाया करते थे, अब वो शांति के साथ में विरोध प्रदर्शन करेंगे, इसका कोई असर भी अब होगा? धरना चलता रहेगा? देखिए जब्बर भाई मैं आपको बताऊं, सियासत की दुकानों में रोशनी के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे। आज की तारीख में कुछ राजनीतिक पार्टियां इस उद्देश्य पे काम कर रही है कि जब आग लगेगी, सड़कों पे प्रदर्शन होंगे, तो हम कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में कामयाब होंगे। और जो ये बिल आया, आप ये देखिए, जब जामिया से वो प्रदर्शन शुरू हुआ वो नॉन पॉलिटिकल था, लेकिन वो जैसे ही वो कंट्रोल हुआ पॉलिटिकल पार्टीज की बेचैनी बढ़ी और हर जगह कहीं ओवैसी उसका प्रतिनिधित्व करता मिल गया, कहीं कांग्रेस मिल गई, कहीं दूसरी पार्टियां, सभी समाजवादी पार्टी भी, दूसरी पार्टी, सब ने उसको प्रतिनिधित्व किया। इसका मतलब वो पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल एजेंडा आ गया। और जो पॉलिटिक्स कोई भी आंदोलन होता है तो उसका अपना कैडर वोट उसमें शामिल होते ही हैं, उनका अपना अपना कैडर वोट होता है। जब बार भाई वो कैडर वोट ही सड़कों पे है, आम आदमी की समझ में आ चुका है कि ये हमारे खिलाफ नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ये दिखाना चाह रही है, मैं इसको इसलिए समझना चाह रहा था, लोगों के खिलाफ है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब बार भाई वो देश के लोगों के खिलाफ नहीं है, यूनिवर्सिटीज के लोगों के खिलाफ नहीं है, छात्र छात्राएं जो सड़कों पर है, वो उन लोगों के पॉलिटिकल पार्टी के, जब बार भाई मैं अपनी बात पूरी लूं, वो केवल और केवल उन लोगों के खिलाफ है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में ऐसी सोच के लोग हैं, जिन्होंने हमारे गुरुओं के बच्चों को दिलों दीवारों में चिनवा दिया, जिन्होंने ट्रेनें काट काट के आपके भाइयों की बहनों की यहां पे भेजी उनको रोकने के लिए। और आपको एक चीज और बता दूं, जब हिंदुस्तान सोनिया गांधी को नागरिकता दे सकता है, अदनान सामी को नागरिकता दे सकता है, तस्लीमा नसरीन को नागरिकता दे सकता है, तो मुसलमानों को अभी भी यहां नागरिकता मिलेगी? थोड़ा सा उनके लिए प्रोसेस डिफरेंट है, अदरवाइज ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ना इसमें लड़ने वाली बात है, ना मरने काटने वाली बात है, और चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है लोगों की। अभी चीजें आप देखेंगे बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। नहीं, मगर वो गरीब आदमी, वो गरीब मजदूर जो कि खेतिहर मजदूर है, जिसके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं उसके बाप दादा का, जब बार भाई एनआरसी जब होगा, मैं आपका क्लियर कर दूं, एनआरसी जब होगा जो आप वो कैसे अपने आप को प्रूफ कर पाएगा कि वो देश का नागरिक है? जब्बार भाई ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये चीज जो आपने कही है ये हिंदू के साथ भी है, सिख के साथ भी है, जैन के साथ भी है, मुस्लिम के साथ भी है। समझने की बात यही, इसमें कंफ्यूजन यही है इसमें, कि ऐसे में गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को तो इसका मैं जब्बार भाई बता रहा हूँ आपके चैनल के, इसी वजह से पता चल जाएगा, जिसके पास दो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होगी, एक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होंगे, दो गवाह उसको मिल जाएंगे, हर आदमी के पास दो गवाह होंगे, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने हमें केवल आइडेंटिटी, मैं एनआरसी की बात कर रहा हूं, एनपीआर तो नॉर्मल चीज। और आपको एक चीज और बता दूं जब्बार भाई, एनआरसी कोई नई चीज नहीं है, कांग्रेस के टाइम से चला रहा, सारी पार्टियों ने उसका समर्थन किया, कोई सड़कों पे नहीं उतरा। लेकिन आज आप देखिए आज लोग सड़कों पे उतरते हैं, सीए कोई नई चीज नहीं है, एनपीआर कोई नई चीज नहीं है, ये जनगणना पहले से होती है, लेकिन आज इनको इशू बनाया जा रहा है, ये समझने वाली बात है। इशू क्यों बनाया जा रहा है वो भी इन पे आपको बता दूं, पिछले 5 सालों में कोई दंगा
दंगा नहीं हुआ। यूपी के अंदर अकेले अखिलेश सरकार में 800 दंगे हुए, आज कोई दंगा नहीं हुआ। तो ये लगता है तो इनको तो ये लगता है ये सब कुछ इतना स्मूथ कहते जा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट का चुका है। आप मुझे फन्ने का दिन से आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, आप तो झूठ बोल रहे हो, बताइए झूठ बोल रहे हो। दंगे मुझे फन्ने का दंगे हुए, लोग फाटे गए, मारे गए, लोग टेंपो में रहे, लोग टेंपो में रहे, आपके पास तो डिटेंशन सेंटर नहीं थे। संजीव चंद्र जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, संजीव जी आपने कहा भी था, संजीव जी, संजीव जी अंदर जंगल राज, संजीव चौधरी जी मेरा एक सवाल है, ठीक है, संजीव जी से मैं आपके सवालों की तरफ ले जा रहा हूं, एक सेकंड सर, राज आरपी के अंदर सर, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा या नहीं कहा, ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट की अपने अपने देखने की सोच करने की, ऐसी कौन सी सरकार है जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से डांट नहीं लगी आज तक, मुझे ये बताइए, किसी एक सरकार का नाम बताइए, मैं आपको बता दूं कौन सी सरकारों को डांट नहीं लगी। कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा या नहीं कहा, हाँ या ना, मैं जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसी कौन सी सरकार, ऐसी कौन सी सरकार है जिसको कभी आज तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जंगल राज दिशा निर्देश दिया, आपके मुख्यमंत्री को हिदायत दी उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट में है या नहीं कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुरंत जेल भिजवाएं गायत्री प्रसाद, अगर कोई नाम आप मुझे, मैं गायत्री प्रसाद, ठीक है, ठीक है सर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल सभी पॉलिटिकल पार्टीज के उत्तर प्रदेश में है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई है, ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, संजीव चौधरी जी, देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र जी, सबको कटवा दो, सबको, एक सेकंड, सबकी आवाज, एक सेकंड, एक सेकंड, सबको, सबको बंद कर दो, सबको घरों बंद कर दो, खाना किसी को बंद दो, हमारा काम है एक घंटे आप संजीव कौशिक जी ये जो एक स्थिति बताई जा रही है या जो बातें सामने आ रही है, जाहिर तौर पर अगर यही सच है तो फिर क्या सारे के सारे लोग जो कि विरोध कर रहे हैं सब भ्रमित है? मैं यही कह रहा हूं कि सरकार के मंशा पर सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। एनपीआर की बात से शुरू करते हैं, एनआरसी से कैसे कनेक्ट होता है, जब आप एनपीआर और एनआरसी के बारे में जब वेबसाइट खोलते हैं सरकार के बारे में, तो सबसे पहला प्रोसेस आपको एनपीआर के बारे में दिखाई देता है। और जो 15 जो पहले शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार से ही ये प्रक्रिया चालू है, उसे यदि रिपीट किया जा रहा है तो आपको परेशानी क्या है? मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उसमें जो जोड़ा गया है 5-6 या 7 नए जो उसमें सवाल जोड़े गए हैं, उसमें ये पूछा गया है कि आप बताइए कि अभी मुझसे यदि पूछा जाए, मेरे पिताजी की उम्र यदि 80 साल हो चुकी है, माताजी 70 साल की हो चुकी हैं, पूछा जाए कि डेट ऑफ बर्थ बताइए और डेट ऑफ प्लेस बताइए कि कहां जन्म हुआ और उसके बारे में कोई कागज बताइए, मेरे पास कागज नहीं है। ये फैसिलिटी देती है वो कि बगैर कागज के भी वो मान लिया जाएगा, लेकिन जो लोग इसके बारे में संतोषजनक जवाब नहीं देंगे वो सस्पेक्टेड की श्रेणी में आएंगे, वो संदिग्धों की सूची में आएंगे, फिर उनसे सवाल किया जाएगा। और सवाल ये है कि यदि हम बहुसंख्यक समाज से आते हैं हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही सवाल यदि किसी अल्पसंख्यक समाज से किया जाए और वो सस्पेक्टेड की सूची में आ जाए, उसके सर पे तलवार लटकना शुरू हो जाएगा। और इसी कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करते हैं, देवेंद्र प्रमुख जी, जिन बातों का इन्होंने जिक्र किया, जिन शंकाओं का, ठीक है कि उसमें कम्युनिटी के 2 लोगों की गवाही चाहिए होगी, तो फिर अगर किसी 2 लोग की गवाही से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर इस एनआरसी का मतलब क्या रहेगा? कौन ऐसा शख्स होगा जिसको अपनी कम्युनिटी से 2 लोगों की गवाही नहीं मिलेगी? देखिए, मतलब इसमें लॉजिक उतना स्ट्रांग लगता है? मैं क्लियर करना चाहता हूं, जब्बार सर आपने देखा एनआरसी का मतलब जो है आपको दुनिया के विशेषज्ञ बता रहे हैं, भारत की बात छोड़िए, किसी ने एक भी कहीं से कहीं तक कोई उंगली उठाने का काम नहीं किया, लेकिन कुछ चंद लोग जो भ्रमित हैं, जो दंगे की उसकी बात करते हैं जाति धर्म की, उन लोगों ने इसको मरोड़ कर इसको पेश करने का काम कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जितना स्पष्ट एनआरसी के लिए बोला है, सरकार तो बोलेगी ना, सरकार बोलेगी, सत्ता पक्ष बोलेगी, विपक्षी अपनी रागा अलापेगा, मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर कम्युनिटी के 2 लोगों की गवाही से एनआरसी में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी के लिए, तो फिर इस एनआरसी के प्रावधान का मतलब क्या है? कौन ऐसा शख्स होगा जिसके आसपास के लोग उसके लिए बोल नहीं सकेंगे? एक चीज और क्लियर कर दूं, आज भारत की दशा बदल चुकी है, दिशा भी बदल गई और दशा भी,
आज कोई परिवार ऐसा नहीं है, आप सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, जिसके पास कोई भी ऐसा आईडी प्रूफ ना हो, चाहे राशन कार्ड हो उसका, आधार कार्ड हो उसका, या कोई और उसका डॉक्यूमेंट्स हो जो ना हो, और हमारी सरकार ने तो यहाँ तक लाइफ क्लियर कर दिया, अगर इनमें कभी कुछ नहीं है तो भी आप इसके मेंबर हैं, इस देश के नागरिक हैं, कोई आपको दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। कश्मीर का आतंकवाद और कश्मीर के बॉर्डर की वजह से हमारे लिए और जो रोहिंग्या मुस्लिम इस देश में आया उसकी जांच के लिए इस कानून में इतना बदलाव करना बहुत ही जरूरी था, जो राष्ट्रहित में, और वही सरकार ने जितेंद्र जी एक जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए रिस्पॉन्ड कीजिए। एक्चुअली में है क्या कि असम में लाया गया, असम में जब एनआरसी कराई गई तो वहाँ पे जो है लगभग 19 लाख लोग जो सभी टीवी चैनल दिखा रहे हैं वो एनआरसी से बाहर हो गए, उसमें लगभग 4.5 लाख मुसलमान है, बाकी के हिंदू थे। उसके बाद इन्होंने सोचे तो अपनी गले की फांस बन गई जो हमें एनआरसी ले आए, वहाँ पे यदि इन्होंने जो कहा था प्रधानमंत्री जो गृहमंत्री जी कह रहे थे जो एनआरसी से बाहर होंगे हम उनको देश से बाहर करेंगे, तो उस डर के मारे इन्होंने जल्दबाजी में CAA लिया, इस कैब ये कैब लाए उसका CAA होगा, मतलब बता दो जरा। अरे सर सुन लो, अरे ऐसे मत कीजिए, क्या फर्क पड़ा CAA से, सर मेरी बात सुनिए, मेरी तो करो, देखो मेरी बात सुनिए, आप समझा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब मैं बता रहा हूं सरकार की जो मंशा है उसे क्लियर करो ना, सरकार की मंशा ये है जो असम में, सर सुनिए, सरकार की मंशा जो थी इनके इनको ये था सबसे ज्यादा वहां मुसलमान लोग एनआरसी से बाहर होंगे, हिंदू नहीं होंगे, जब वहां पे हिंदू ज्यादा हो गए और मुसलमान कम रह गए तो इनको क्लियर करना चाहता हूं, सर सुन लीजिए आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, जो मुस्लिम स्टेट का है एक में रह रहे हो आप, मैं सुनने की क्षमता नहीं है, अरे एक मुस्लिम को कहीं बाहर करने का कोई कानून है, जनता पागल नहीं है जो आपके पास सुन कर दीजिए आप, मैं मान लूंगा, सुनो जनता की बात नहीं है, जो आपकी की बात सुन रही है आप, और भाषण बात सुन रही है, ये तो पूछ रहे हैं लोगों की बात कराने का, आप जनता की बात क्यों नहीं सुन रहे, मैं बता रहा हूं, आप बात सुनिए ना, आप बरगलाते हैं, नहीं बरगलाने रहे, अरे आप सच्चाई बोलिए, मैं फैक्ट में बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट में बात कर रहा हूं। अच्छा फिर दूसरी बात, एक गांव में कहावत है, यदि कोई घर में सोना बनता है वो आंख नाक कान को काटे तो ऐसा सोना किस काम का भाई, यदि हमारी देश की जनता को इससे परेशान ये लोग कहां परेशान है, उनसे बात करिए, जनता की सुरक्षा करना हमारा काम है, ठीक है, अरे हम ठीक है, बात करिए, हम समझाइए देवेंद्र जी, सुरक्षा का काम कर, देवेंद्र जी एक सेकंड, परविंदर सेठी जी एक सेकंड, संजीव जी हमारा जितेंद्र जी बैठा था 70 साल से, ठीक एक सेकंड, उसको ठीक करने के लिए परविंदर सेठी जी, अब सवाल ये है, अब सवाल ये है कि पहले ये बात कही जाती रही कि साहब इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक की सड़कों पर है या ज्यादा लोग वही हैं, मगर धीरे धीरे इसमें देखा गया कि तमाम कम्युनिटीज के लोग, हिंदू भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे विरोध प्रदर्शन के अंदर, खासतौर पर दलितों की भी नाराजगी और दलितों का भी गुस्सा सड़कों पर उतर करके वो लोग दिखा रहे हैं। सवाल यह कि अगर सिर्फ मुसलमानों के विरुद्ध है तो फिर दलित या हिंदू समाज के लोग इसमें क्यों? देखिए हर चीज का राजनीतिकरण होता है, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको, अगर आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, मैं तो ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप चैनल उठाकर देखो, मुस्लिम उलेमाओं ने, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने स्पष्ट कहा कि एनआरसी से मुस्लिम को कहीं खतरा नहीं है। आप एनआरसी के ऊपर तो बातें मत करो प्रमुख जी, मेरे से जो लोग हैं दंगे के, परविंदर जी के एक बार मेरे से प्रश्न करा, मैं दंगे की राजनीति करते हैं, परविंदर जी आप किसी को बोलने नहीं देंगे, ठीक है, पूरी डिबेट के अंदर आप किसी को बोलने करना है, ठीक है ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट बैठ कर रहे हैं, पहली बात तो दंगा लगता होगा, आपको दंगा लगता होगा, बोलने नहीं दे रहे, हम एक सेकंड, हम तो जो बात, सर एक सेकंड, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, हमारी बात को दंगा लगती है, हिंदू आप सारे लोग जितने भी इकट्ठे होकर चिल्ला रहे हैं, ठीक है ठीक है, ये हजार लोग घुसपैठियों को नहीं निकालेंगे, हम भी यही रहेंगे, ये हजार घुसपैठियों को पिछले 6 सालों में नहीं निकाल पाए हैं और आगे भी नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग ऐसे ही हिंदू मुसलमान करते रहेंगे और देश की जनता ऐसे ही रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हम लोग जो भी सामाजिक लोग हैं या कैमरे के सामने बैठते हैं, हमारी बहुत बड़ी नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी है, हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को छोड़ें, देश की तरफ देखें वहां पे उत्तर प्रदेश से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़े हैं, उनको जोड़ लेते हैं, फिर आपकी तरफ मैं वापस आता हूं। मोहसिन रजा साहब, अब क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहां पिछले दिनों इतनी सारे हिंसा हुई, 15 से 17 लोग मारे गए, अब सब कुछ सामान्य है, नॉर्मल है? मुझे लगता है कि उनके लोगों ने टीवी पर बोलना भी छोड़ दिया है, जो लोग इसमें शामिल थे, और अगर कांग्रेस के साथी बैठे हो तो उनसे पूछिए
कि आप धोखे से कुछ तो करा सकते हैं लेकिन हमेशा कुछ नहीं करने देंगे हम। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है और सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था हमारी बिल्कुल रही है और इसलिए 2.5 साल में हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, इसीलिए ये लोग परेशान है। किसी ना किसी तरह से कोई एक समाज को, खास करके मुस्लिम समाज को बहका कर उनको गुमराह कर बाहर निकालना, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, ये उपद्रवी भी नहीं कहते। तो सवाल ये है, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, ये कि अयोध्या मामले पर किसी किस्म का हंगामा नहीं हुआ, 370 पर किसी किस्म का हंगामा नहीं हुआ, आखिर इसी मसले को लेकर कितना हंगामा क्यों आपकी निगाह में? मैंने कहा ना कि इनकी दुकान तो इसी से चलती है ना, हमेशा इन्होंने आजादी से लेके आज तक इन्हीं इसी सब चीजों पर दुकान चलाई और उनको बर्बाद करके इन्होंने रखा है देश के अंदर। गुमराह भी वही कर, जो ये जानते हैं, क्योंकि इन्होंने उनको शिक्षित नहीं होने दिया। सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया, उनके साथ में शिक्षित नहीं होने दिया, इसीलिए उनको गुमराह भी कर लेते हैं। लेकिन आज एक्सपोज भी हुए हैं पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि तमाम हमारे साथ में मुस्लिम धर्मगुरु सामने आए और उन्होंने आकर इस बात को समझा। जब उस हमारे जो नागरिकता संशोधन एक्ट है उसको पढ़ा, उन्होंने जाना और उन्होंने बताया कि ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। लिहाजा इसलिए ये अपने आप में जो लोगों में गलतफहमी फैलाई जा रही थी कांग्रेस और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों या कुछ संगठनों के द्वारा, ठीक है, सब इन्हीं आपस में आपकी निगाह में जो लोग भी इसमें शामिल थे, यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, प्रोफेसर, डॉक्टर या दूसरे लोग भी अलग अलग संगठनों के, सब लोग उपद्रवी थे। मैंने कहा ना कि अगर इनकी बेचैनी जो देखिए, आज क्यों परेशान हो रहा है कि कल हम यहाँ जाएंगे, हमें मेरठ जाना है, हमें आज लखनऊ में 2 दिन रहना है। अरे भाई, किसने मना किया है? आप रहिए ना, आप 29 साल से हाशिए पर पड़े हैं, आज ही क्यों जोर दे रहे हैं? आप तो 29 साल से आ रहे हैं, आपको किसने पूछ लिया यहाँ? आपको यदि मेरा कोई नेता लखनऊ जाता है तो आपको बेचैनी किस बात की है, नंबर एक। दूसरा, अब मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ 2.5-3 साल से कोई दंगा नहीं फैला यूपी में। सुबोध जो इंस्पेक्टर थे उसमें बीजेपी के सहयोगी लोग निकले थे मारने में, दंगा करके उनको उनकी हत्या कर दी गई और बाद में उनको आप फूल माला पहनाते हैं। आप बताइए, आपके लोग थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं ये मोहसिन जी, देवन जी, हंसने वाली क्या बात है? इनको पता नहीं है, सुबोध जी मारे गए, ज्यादा चीजें मालूम नहीं है मुझे, सब चीजें पता है, प्रवृत्ति है वो इनको पता नहीं है। जवाब दीजिए ना, उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, मेरा सवाल है इन्हीं की पार्टी ने की, अब हम क्या अपनी सर मुझे बताइए, सुबोध कुमार की हत्या में आपके लोग शामिल थे या नहीं थे? मुझे इसको जवाब दीजिए सर, मुझे ये चाहिए, सुबोध कुमार की हत्या में आपके लोग शामिल थे या नहीं थे? और बाद में वो आप उनको माला पहनाते पाए गए या नहीं थे? मुझे लगता है कि दुखती रख पे हाथ रख दिया कांग्रेस की हमने, तो शायद मेरी नहीं, नहीं, हमारी कोई दुखती रख नहीं है, हमने आपकी दुकान पर हाथ रख दिया क्योंकि आप लोगों की दुकान बंद हो रही है और आप जो है 1 साल में 5 राज्य चुनाव हार चुके हैं, इसीलिए आपका ग्राफ डाउन हो गया लगातार। मगर मोहसिन रजा साहब, इस तरीके की बातें कर रहे हैं मोहसिन रजा साहब, एक सवाल उठ रहा है और लोग इस बात को कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इनोसेंट लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर, क्या इसमें ऐसे तमाम लोगों को छोड़ा जाएगा या कैसे चिन्हित कर पाएंगे कि कौन इनोसेंट था और कौन उपद्रवी था? इसमें आपको बताएं, जब जिस वक्त आपने देखा किस तरह से पुलिस हमारी बेचारी डिफेंस भी करती रही और अपने आप पर पत्थर भी खाती रही, लेकिन सुरक्षा को लेकर, अमन को लेकर आगे बढ़ती रही और उसने आज इस लायक किया कि उत्तर प्रदेश में जो हमने एक इकबाल हमारा सरकार का, योगी सरकार का है, उसको कायम कर दिया फिर से, ताकि कोई बात ना हो, हमारी जो 23 करोड़ जनता है उसको सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता थी। तो हम अपनी पुलिस साहब, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में जो लोग विरोध कर रहे हैं मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यक मंत्री हैं, बहुत सारी उम्मीदें आपसे उनकी जुड़ी हुई हैं, मुकाबला किया, वो उम्मीदें गलत हैं आपसे। जवाब नहीं मिला मोहसिन रजा जी, मेरा जवाब नहीं मिला। मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जंगल राज है यूपी में, नंबर एक। दूसरा, सुबोध कुमार की हत्या में बीजेपी के लोग शामिल थे या नहीं थे? वो जमानत में रिहा हुए तो आपने उनको माला पहना या नहीं पहना, बताइए। यूपी की जनता सुनना चाहती है, पूरे देश की जनता सुनना चाहती है, मुझे ये जवाब दे दो सिर्फ आप। मुझे लगता है कि मोहसिन रजा साहब से संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा जी आरएनआई टीवी के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा, जैसा कि बता रहे थे कि साहब सिर्फ विपक्षी दलों की साजिश और कुछ नहीं, तो क्या देवेंद्र जी सिर्फ साजिश ही थी? क्योंकि एक लाइन में इतना जेनरिक करके इस चीज को, इस चैप्टर को क्लोज जो किया जा रहा है या सत्ता पक्ष की तरफ से किया जाता है, क्या ये भी व्यवहारिक है, न्याय संगत है? मैं एक चीज जब्बार भाई क्लियर करता हूँ कि मोहसिन भाई सुन नहीं पाए, वो उनका बीच में चला गया ऑडियो, कि इन्होंने जो चिल्ला रहे हैं, सुबोध की बात करें, फलाने की बात करें,
अगर ये इन्हीं की बात करें तो ये एक सेकंड सर, सुन लीजिए, इन्हीं की बात करें तो इनकी जवाबदेही हमसे कहीं ज्यादा बनती है। और रही सुबोध की बात या किसी और की बात, हम फिर इन्हें क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारी सरकार में पारदर्शिता है। जो दोषी है वो जेल गए हैं, जो बलात्कारी है वो जेल गए हैं, जिनको सजा होनी उन्हें सजा हुई है, और जो कानून हमने फांसी के लिए बनाए तैयार करें, मृत्यु सजा देने का काम किया बलात्कारी को, वो हमने किया जो 70 साल में आप नहीं कर पाई। आप कहीं से कहीं तक हमारी लॉ एंड ऑर्डर और यूपी की कानून व्यवस्था कुमार जी ठीक है सर, एक सेकंड, और आपका कोई अधिकार ही नहीं बनता हमसे क्वेश्चन उठाने का। एक सेकंड सर, और आप एक सेकंड का खाओ, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। आग मत लगाओ, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, और जो करेगा वो सरकार नहीं जाएगा, चाहे वो आपका नेता हो, सरकार या आपका गुंडा हो। आप एक बताइए, फर्क नहीं पड़ता, आपके मंत्री तो जवाब दे नहीं पाए, आपके जवाब मंत्री जी का दे नहीं पाए। अरे दुनिया मंत्री साहब तो जवाब दे नहीं पाए, आप जवाब दे दो। अरे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, आप लोगों का क्या धरना प्रदर्शन के खिलाफ कर रहे हैं आप, जो है ना धरना प्रदर्शन लोगों का क्या हमारा काम है, लोगों के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाना। आप जब लोगों के साथ अन्याय करोगे हम उनके साथ खड़े होंगे। आपके विधायक 4 दिन पहले आपकी सरकार के खिलाफ यूपी में धरने बैठे थे, उनके बारे में क्या कहना? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, एक मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सारे अरे सुबोध कुमार विधायक सामने सरकार के खिलाफ धरने में बैठे थे, बीजेपी के लोग पकड़े गए, बाहर कर दिया सर, उनको हाँ या ना बताइए, बाहर से बाहर कर दिया। आपके कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप कर नहीं सकते, आपके आप गलत समय से उन विधायकों के साथ गलत समय से कुमार एक विधायक के खिलाफ बैठे थे, उन विधायकों को भी आप दूसरी तरफ मुड़ रही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आ रहे हैं, आ रहे सर, आपकी तरफ में आ रहे हैं। संदीप चौधरी जी, अब ऐसी स्थिति में क्या आगे आने वाली तस्वीर कैसे उसको देखा जाए कि अब जो विरोध था वो खत्म हो चुका है, हंगामा था वो खत्म हो चुका है, मगर स्थिति तो पूरे तौर पर अभी भी तनावपूर्ण ही है। देखिए जब्बर भाई, मैं आपको बताऊं, स्थिति अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जो विरोध है विरोध चल रहा है, लेकिन आपको आज की तारीख में एक चीज देखनी पड़ेगी, और जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है, जहां कुछ लोग विरोध कर रहे हैं वहीं बहुत ज्यादा लोग इसके समर्थन में। खाली एक न्यूज चैनल की मैं बात करूं, उन्होंने एक नंबर दिया सपोर्ट के लिए, करीब 60 लाख लोग उस पर सपोर्ट दे चुके हैं, और जगह जगह हर शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं जो सपोर्ट में, जो कह रहे हैं कि हम ये देश हित में है, हम इसमें साथ हैं। तो ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। अभी तक जो डिबेट्स हो रही है या मीडिया में जो बात उठाई जा रही है वो विरोध करने वालों की उठाई जा रही है, अभी सपोर्ट वालों पे डिबेट नहीं हुई है, तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। विश्वेंद्र कुमार जी, देश हित के लिए सीएए को बताया जा रहा है, ये देश हित में कैसे? ये बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि देश के लोगों के लिए सीए तो है नहीं, तो ये देश हित के लिए कैसे? जब्बार भाई, बहुत अच्छा सवाल आपका है। सीए जो कानून बना है अभी, वो स्पष्ट रूप पे इस प्रकार से देश हित में है, क्योंकि देश के नागरिकों की कोई नागरिकता छीनने का काम नहीं है इसमें, नागरिकता देने का। देश को फायदा क्या है, ये मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत जेन्युइनली पूछा कि सीए तो 3 देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है, तो इसमें देश का फायदा क्या है, देश का हित क्या है? देखो, आज भी देश में घुसपैठे के रूप में दूसरे लोग आ रहे हैं दूसरे देशों से, तो हमारे भारत देश जो बहुत ही विशाल हर जगह देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसने एक सिस्टम बनाया कि हमारे जो भाई यहाँ से गए थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो वहाँ से जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं कई रूपों में, चाहे वो धार्मिक आधार पर मंदिरों, मस्जिदों के मंदिरों, या माफी चाहूँगा दूसरे धर्मस्थल के आधार पर, और या उनके साथ बहन बेटी के साथ पूरे अत्याचार किए जा रहे हैं, तो वे लोग वापस आना चाहते हैं। इसलिए भी कि पार्टीशन के वक्त में बहुत सारे मुसलमान भी भारत से गए वहां पर, जिन्हें महाजिर का टैग आज तक मिला हुआ है, और उनके साथ में वहां भेदभाव होता है। बलोच में रहने वाले बहुत सारे मुसलमान हैं जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है, तो सवाल इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आम लोग कैसे इसको समझे कि ये देश हित में? जब भाई, मैं इसका जवाब दे देता हूं। जिस तरीके से हिंदुस्तान से परवेज मुशर्रफ वहां पे गए, दिल्ली से गए हैं, वो जाके वहां के राष्ट्रपति बन सकते हैं, सेना के चीफ बन सकते हैं, ऐसे कोई हिंदू, कोई पंजाबी, कोई जैन, कोई सिख नहीं वहां पे बन सकता है।
और अभी हाल ही में आपने बहुत बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी दानिश कनेरिया का नाम सुना होगा, वो भी वहां पे किस इतने बड़े स्टार को अगर वहां पे सताया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, तो आप सोच सकते हो छोटी कम्युनिटी का क्या हाल होगा। और एक चीज और बता दूं आपको, दलितों की बात की जाती है जब्बार भाई, दलितों को वहां पे जबरदस्ती इसलिए रोका गया है कि उनकी गंदगी साफ करने के लिए उन्होंने वहां पे रोका है। मैं सबके पास आऊंगा इस सवाल को लेकर के। परविंदर जी देखिए, इससे हमारे देश का फायदा नहीं है, ये एक मानवता के नाम पर जो लोगों के जो हमारे हमारे यहाँ के लोग हैं जिन धार्मिक उत्पीड़ना के कारण जब पार्टीशन के टाइम वो वहाँ रह गए थे, वो रिफ्यूजी के तौर पे हमारे देश में आए हैं, वो अपनी संपत्ति छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना रोजगार छोड़ के आए हैं, ये मानवता के नाम पर उनको यहाँ पे शरण दी गई थी, अब उन्हें सिटीजनशिप दे। तो क्या 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 ये कोई डेटा ऐसा है जिसमें यही माना जाए कि जो यहाँ से गए थे इन तीनों देशों में वही लोग वापस आए शरणार्थी के तौर पर गए थे, या वहाँ के जो ओरिजिन थे सर, वहाँ के लोग भी यहाँ बात कहना बड़ा मुश्किल है। ये बात कहना बड़ा मुश्किल है, जब पार्टीशन हुआ उस समय बहुत कत्लेआम हुआ दोनों तरफ में, फिर दोनों सरकारों ने ये डिक्लेयर करा कि जो व्यक्ति जहां है वो वहीं रह जाए तो उनके साथ कोई उत्पीड़ना नहीं होगी। जो यहाँ मुसलमान रह गए वहाँ माइनॉरिटीज के लोग रह गए, क्योंकि वहाँ पे जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आएगा वो अपनी संपत्ति, अपना रोजगार बिल्कुल उजड़ के आएगा और यहाँ पे कैंपों में रहेगा और दोबारा उसका खड़ा होना बहुत मुश्किल है। इस वजह से दोनों ही सरकारों ने उन लोगों को वहाँ पे रहने की इजाज़त दी, लेकिन उनके साथ धार्मिक उत्पीड़ना हुई, चाहे उनका कन्वर्जन के नाम पर, चाहे उनके लड़कियों के साथ नजायज करने के नाम पर, अक्सर खबरों में हमने देखा भी है। ठीक जी, बहुत सारी घटनाएं हैं। संजीव कौशिक जी, अब सवाल यह है कि इसका एक पहलू और भी है जो लोग समझना चाहते हैं कि इस आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बांग्लादेश से, जो कि वहीं के ओरिजिन है, वो लोग इंडिया आकर के यहाँ की नागरिकता चाहेंगे फिर, या जो लोग रह रहे होंगे पहले से रह रहे होंगे जी, या इन तीनों देशों से जो कि यहाँ से माइग्रेट करके तो नहीं गए लेकिन उनको इंडिया में अच्छा लगता है, यहाँ उनका बिजनेस अच्छा होगा, दूसरी चीजें अच्छी होंगी, तो 2014-31 दिसंबर तक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वहीं के होंगे, जो शायद धार्मिक उत्पीड़न का शिकार भी ना हुए होंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे कई सारे इसकी लेयर से। पहली बात जब्बार भाई, इस बात को समझने की जरूरत है कि तीन देशों के जिस अल्पसंख्यक की बात हो रही है, जिसको यहाँ ला करके और उनको वैध रूप से ठहराने की बात हो रही है, यदि आप इस कानून के तहत उनको यहाँ लाते हैं या जो आ गए हैं उन्हें यदि वैध ठहराते हैं, तो इन तीन देशों में जो अल्पसंख्यक अब रह गए हैं उनकी स्थिति वहां बेहतर नहीं होने जा रही है। अब चूंकि ऑलरेडी वहां के लोगों को यह जानकारी है, वहां की सरकारों को जानकारी है कि ये दोयम दर्जे के यहां के नागरिक हैं और इनको बुलाने के लिए या इनको जगह देने के लिए, सम्मान देने के लिए हिंदुस्तान ऑलरेडी खड़ा है, इसलिए इनका ये वतन नहीं रहा, ये यहां से जाए और अपने वतन जाए। पहली बात, आप स्थिति वहां पर उनकी मजबूत नहीं कर रहे हैं और नारकीय जीवन आप उनको दे रहे हैं। दूसरी चीज, आपने एक सवाल पूछा, जवाब कहीं से नहीं आया कि आखिर ये देश हित में कैसे है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि ये देश हित नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात और दल हित में है। ये किसी एक दल को, यदि किसी दल को इससे मजबूती नहीं मिलती तो यह कानून भी ठंडे बस्ते में रहता। यदि इस जिस कानून की बात हम सीए कर रहे हैं, सीधी सी बात है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, आसाम में यदि कराया गया, आसाम में फेलियर हुआ एनआरसी, उसके बाद में जो यह हिंदू मुसलमान की बात थी उसको वैध ठहराने के लिए एक ऐसा कानून लाया गया जिसके बदौलत उन लोगों को यहां हम ठहरा पाएंगे जो हमारे दल हित में हो, उन लोगों को बाहर करेंगे जो हमारे दल से बाहर रहेंगे, हमारे दल हित संजीव संदीप चौधरी समझने की जरूरत है। संदीप चौधरी जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है दल हित की। मैं दल हित की बात बता देता हूं, अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए क्योंकि वहां पे मुस्लिम वोट बैंक बहुत कम था, वायनाड से जाके राहुल गांधी चुनाव जीत गए क्योंकि वहां 70% मुस्लिम वोट बैंक था। तो राहुल गांधी की मजबूरी है कि इस मामले में वो सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो उस वर्ग विशेष को नाराज नहीं करना चाहते। मैं भाई साहब की बात पे आ जाता हूं कि ये देश हित में कैसे आपने बोला देश हित में, बताओ आप किसी भी देश में जाकर देखिए, आपको वहां पे अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा, आप नौकरी के लिए जाते हैं, आप कुछ भी स्कूटर मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। और ये देश हित में इसलिए भी है कि जब हमारे देश में लोग आएंगे आपको पता होना चाहिए कौन आदमी कहां रह रहा है, उसका क्या रिकॉर्ड है, जो आ चुके हैं उनकी भी आपको बात बता। संदीप जी, मैं सीए को लेकर के, सीए अमेंडमेंट को लेकर के, इस एक्ट को लेकर के ये कहा जा रहा है साहब ये देश हित में उठाया गया कदम है, बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब जानना चाहा, पूछा अलग अलग माध्यम से, कैसे इसको समझाया जाए उन्हें।
कि देश हित में कैसे? देखिए, देश हित में आप इसलिए कह सकते हो, सबसे पहली चीज तो एक भावनात्मक, जो हमारे भाई बंधु उस टाइम पे उधर रह गए, इन देशों में रह गए और आज भी उत्पीड़न का शिकार है, जैसे मैंने आपको दानिश कनेरिया का नाम बताया, सब कुछ रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने के लिए कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, कानून आना चाहिए, इन तमाम चीजों के बीच में जब बाहर के लोगों को हम अपना नागरिक बनाएंगे, सोच में यही फर्क है, एक पार्टी उनको बाहर का सोचती है और एक पार्टी उनको अपना सोचती है, आज भी उन्हें अपना सोचती है, पार्टीशन उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। जितेंद्र चौधरी साहब, आप ऐसे लोगों को, ऐसे मजलूमों को आप बाहर का क्यों सोचते हैं? कहीं ना कहीं देश में यही सबसे बड़ा सोच में ही फर्क है सारा, जो बाहर के अगर आप सुषमा स्वराज अरब कंट्री से लोगों को निकाल के ले आई, अगर वो बाहर का सोच ठीक है। सर, मैं मुझे जल्दी से जितेंद्र जी, आप एक चीज बताइए, जो बब्बर खालसा आतंकवादी है जो बाहर रहते हैं, उनका नाम लिया भाई, वो भी सिख हैं, वो भी नागरिकता ले सकते हैं, यदि गलती से वो बब्बर खालसा वाले इनसे नागरिकता मांगे देंगे? सरकार बुला रही है, ले क्या दाऊदी इब्राहिम को भी बुलाने को तैयार है, आजा भाई तू यहाँ, आने की हिम्मत तो करे, आने की हिम्मत तो करे। मुझे लग रहा है आपने जो है ना सरकार से कुछ ज्यादा मार खा लिया, इसलिए ज्यादा फेल कर रहे हैं। अरे सर, सर जितेंद्र जी, जितेंद्र चौधरी साहब, ये खाने का जो खाने की बात हो रही है, खाने का खाने की बात हो रही है, कैसे बोलते हैं ये? जो मुख्यमंत्री है जितेंद्र भाई, म्यांमार से भाई, तो आप गांधी कहां की है, बताइए ना, उसकी नागरिकता पता कहां की है, आपको जानकारी की बात, आपको जानकारी गांधी और राहुल की जानकारी है भाई, कांग्रेस गुजरात में खड़े हो रहे, मैं बता रहा हूँ आपके बता रहा हूँ ना आपको, सोनिया गांधी की नागरिकता बताओ कहां की है ना, जो बाहर आना, मैं अपना नाम गिरा रहा हूँ, भेजिए इनको, बताओ ना, एक सेकंड देवेंद्र जी, हम इतना बड़ा दिल रख करके भावना के आधार पर अपने पड़ोसी देशों में रहने वाले मजदूर लोग कौन से कुछ शरणार्थी के तौर पर हमारे देश में रह रहे हैं, यहाँ का सौहार्द क्यों बिगाड़ रहे हैं आप लोग? ठीक है, एक सेकंड, आपको पता ही कुछ नहीं है, आप पार्टी प्रवक्ता जी, विश्वेंद्र जी, देखो सच्चाई है, हमारा देश आस्था का देश है, हमारा देश आस्था का देश है, भावनात्मक देश है, किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं करता, अपना दर्द मानता है, उस दर्द को अगर देखे तो बाहर जो दर्द है पड़ोसी देश में है, वो अल्पसंख्यक के साथ जो हो रहा है, किया जा रहा है, उस दर्द को अपने साथ अपनाना चाहता है, अपने पास आ जाए, वो अत्याचार, सवाल यही है, उनको नागरिकता देने से एक सेकंड, थोड़ा सा समझ रहे हैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है सर, उनका जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको इस बात से आपत्ति नहीं है कि गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता क्यों दे रहे, उनको इस बात पर तकलीफ है कि ऐसे में जो मुस्लिम भी प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं पड़ोसी देशों में, उनको भी जोड़ लिया जाए, यही तो के लिए कहीं मन जी, अभी फिर मैं एक अभी करना चाह रहा हूँ, यही थोड़ा सा फर्क है, या तो इसी चीज पर वो भ्रमित हो रहे हैं जो मुस्लिम, सर इनका इनका जवाब आ जाने दीजिए, इनका अभी एक कानून बना है, इसमें आगे अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, आज वो अल्पसंख्यक लिए हैं जो वहां अल्पसंख्यक थे, वहां पर जिनके साथ अत्याचार हो रहे थे, मुसलमान के साथ भी हो रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, कुछ सुनने में आता है लगातार, तो उसका भी अमेंडमेंट किया जा सकता है आने वाले समय, ठीक है, कम से कम आज तो मैं सर आपके पास आ रहा हूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, संजीव जी के पास ना, आपकी बात आ रहा हूं, लेकिन सुनने के लिए तो सुना करो सर, नाम देखिए, ये जो ये एक्ट है इसके अंदर मुस्लिम भाई इसलिए नहीं आते क्योंकि ये तीनों मुस्लिम देश हैं,
और एक मुस्लिम देश के अंदर धार्मिक उत्पीड़ना सेम रिलीजन के आदमी के साथ नहीं हो सकती। लेकिन जो मुस्लिम भाई हैं जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके और बहुत सारे रास्ते हैं, वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो शरणार्थी हैं, पूरे संसार की समस्या है और सारा संसार शरणार्थियों को शरण देता है अपने देश के अंदर, उसी प्रकार से हमारे। मैं आ रहा हूं आपके पास जी संजीव जी, मैं आपकी तरफ। जब्बार भाई, हम लोग भोजपुरी भाषी आदमी हैं, हम समझते हैं कि हमारे चैनल को भी बहुत सारे भोजपुरी भाषी देखते होंगे। भोजपुरी में एक कहावत है, शायद वो समझे, कि भैल लईका भूखे मरे और जो गर्भ में है उसका ओझाई करे। इसका मतलब ये होता है कि देश में भ्रष्टाचार चरम पे है, देश में बेरोजगारी चरम पे है 45 सालों में। आप चिंता उसकी कर रहे हैं जो पड़ोसी के मुल्क में रहता है, उसकी चिंता कर रहे हैं। नहीं, वो यहीं के लोग आप यहाँ नहीं, नहीं। जी यहीं अरे यहाँ के लोग नहीं है, ये नागरिकता उनके लिए है जो पिछले 5 साल से बात कर रहे हैं। सारे लोगों को बुला लीजिए आप, सारे लोगों को बुला लीजिए आप, सारे जो इस देश में रह रहे हैं सर, 20-20 साल से रह रहे हैं, 20-20 साल से जो अत्याचार हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। चौधरी जी आखिरी कमेंट, आखिरी कमेंट। हमारे देश में जो अफगानी लोग हैं 20-20 साल से रह रहे हैं, यहाँ की जिन पहचान लोग पंजाब में आज छोड़िए, 20-25 साल से रह रहे हैं, ये उनके लिए है। किलो टमाटर मिल रहा है भाई, कौशिक भाई, कौशिक भाई, कौशिक जी, कौशिक जी, हमारे पास कौशिक भाई, हमारे पास काफी सालों से शरणार्थी के रूप में रह रहे उनके साथ नाम आपने पूछा है और बहुत बढ़िया परविंदर जी ने जवाब दे दिया और विशेषज्ञ के तौर पर सब लोग अच्छे बोले। संजीव भाई ने कई सवाल अच्छे उठाए, उनका जवाब आया अच्छे से कि आप जो है सिर्फ एक ही चीज ना करें कि देश में बरगलाने का काम ना करें, क्योंकि सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि भारत का मुसलमान भारत का अभिन्न अंग है और इतना ही प्रिय है हिंदू है और ये लोग भारत का मुसलमान पर आज बहुत माफी के साथ मैं आ नहीं सका सबके पास, वक्त की समय सीमा यहां पर खत्म हो रही है, वक्त की समय सीमा यहां पर खत्म हो रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, देवेंद्र प्रमुख जी, जितेंद्र चौधरी साहब, संदीप चौधरी जी, विश्वेंद्र कुमार जी, संजीव चौधरी जी, परविंदर सेठी जी, संजीव कौशिक जी, जितेंद्र चौधरी जी, देवेंद्र प्रमुख जी और संदीप चौधरी साहब, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो सवाल यह है कि इतनी सारी लेयर्स एनपीआर एनआरसी और सीए के बीच में है जिसको लेकर के कई बार लोग भ्रमित भी होते हैं, मगर इसमें यही है कि आप लोग भ्रमित ना हो और विरोध करना आपका जायज हक हो सकता है लेकिन हिंसा करना क्रिमिनल ऑफेंस है, इस बात को ख्याल में रखें, लिहाज में रखें। आप देख रहे थे आरलाइन टीवी पर दिन की सबसे बड़ी बहस, खबर जारी। देखिए पूरे प्रदेश में पिछले 4 दिनों से पूरी शांति है, ट्रॉलिंग इंटेंसिव पेट्रोलिंग कर रहे हैं।